हम फ्रेंड्स कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बनाएंगे कंडेंस मिल्क। आपको पता है कि कंडेंस मिल्क बहुत सी स्वीट आइटम्स में, कन्फेक्शनरी आइटम्स में, केक्स में, बेकरी आइटम्स में यूज़ होता है। तो आप अक्सर मार्केट से परचेज करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि सिंपल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हुए घर पर हम कैसे कंडेंस मिल्क बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा बनेगा, टेस्ट बिल्कुल वैसा ही होगा और कलर और कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल वैसी होगी जैसे कि आप मार्केट से परचेज करते हैं। तो देखते हैं कि हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। तो जी चलते हैं रेसिपी की तरफ। कंडेंस मिल्क के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए। इसमें हमें 2 कप मिल्क चाहिए, फुल फैट मिल्क चाहिए, और 1 कप चीनी चाहिए, और 1 पिंच जो है वो बेकिंग पाउडर चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं बनाना कंडेंस मिल्क। इसमें मैंने ये लिया 2 कप मिल्क, ये 1 कप ऐड कर दिया। इसको तब तक हीट करना है जब तक ये अच्छे से बॉईल हो जाए। 1 कप शुगर ऐड कर देंगे। तो ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप शुगर। हमें इसमें 1 कप शुगर ऐड कर दिया, तो आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है, ये येलोइश होना स्टार्ट हो गया है। मिल्क अच्छे से देखा आपने बॉयल हो रहा है, आपने इसको अच्छे से हीट करते जाना है जब तक ये अच्छे से बॉयल ना हो जाए। तब तक आपने इसको हीट करना है और इसको मिक्स करते रहना है। शुगर ऐड करने के बाद इसका कलर येलो होना शुरू हो गया, तो अब हमने इसको मिक्स अच्छे से करते जाना है जब तक कि ये हाफ ना रह जाए। मतलब हमने 2 कप यूज़ किए थे ना मिल्क के, तो ये 1 कप रह जाए तब तक हमने इसको अच्छे से पकाना है। इसमें बॉइलिंग स्टार्ट हो गई है, आपने इसको कंटिन्यूसली स्टेयर कर आप और पकाएंगे जब तक इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक ना हो जाए। पूरा है मिल्क और बहुत थोड़ा सा रह गया है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा थिक नहीं हुआ, तो हम इसको कंटिन्यूसली जो है वो स्टेयर करते जाएंगे। बॉयल आना शुरू हो गए हैं। अब इसमें आपने ऐड कर देना है बेकिंग पाउडर। इसकी सिर्फ 1 पिंच यूज़ करेंगे बेकिंग पाउडर की। तो अब मैं ये 1 पिंच जो है वो बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया। इसमें ऐड करने के बाद मिक्स करने के बाद ये ऐसे हो रहा है, बॉयल हो रहा है, तो आपने इसको फिर भी जो है वो स्टिर करते जाना है अच्छे से, नीचे ना लगे ये। आप इसको अच्छे से करते जाएंगे। आपने ये ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाता है तो ये और ज़्यादा थिक हो जाता है। तो इसलिए आपने ख्याल रखना है कि इतना आपने जो है वो करना है कि ठंडा होने पे भी सही लगे। इसका बहुत प्यारा सा येलोइश कलर आ चुका है। अब इसको स्टोव से रिमूव कर लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कि ठंडा होगी इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होगी। मिल्क ठंडा हो गया है और ये 2 कप मिल्क था और ये बिल्कुल 1 कप रह गया है। इसकी देखिए कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी है और इसका बहुत ज़्यादा अच्छा कलर हो गया है। देखिए कंडेंस मिल्क रेडी है। आप इसको डिफरेंट स्वीट डिशेस में, केक्स में, बेकरी आइटम्स में यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये थिक हो गया है ठंडा होने पर। इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी है, इसका कलर कितना अच्छा है। होममेड नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है ये। आपने देखा कि हमने सिंपल रेसिपी, सिंपल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हुए बहुत ही अच्छा कंडेंस मिल्क बना लिया है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।